अपने आश्रम में साधिका से यौन शोषण करने के मामले में जेल में बंद आसाराम और उनके बेटे नारायण साई पर अब इनकम टैक्स की गाज गिर सकती है। सूरत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आसाराम और नारायण साई की 2500 करोड़ की संपत्ति पर 30% टैक्स के हिसाब से 750 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की है। इस बारे में सूरत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार कर अहमदाबाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है। देश भर में इनके 70 आश्रमों पर पुलिस ने छापे मारकर करीब 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को प्रोविजनल अटैचमेंट में लेकर 6 महीने में टैक्स नहीं देने पर प्रॉपर्टी बेचकर टैक्स वसूली करने की कार्रवाई शुरू की है। साई से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी संबंधित 2 बार पूछताछ की, लेकिन नारायण का कहना है कि आश्रमों और सारे कारोबार की जानकारी उसके पिता आसाराम को ही है। आसाराम से भी डिपार्टमेंट ने पूछताछ करने की कोशिश की, पर वो मौन रहे। साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2 बार भेजे गए समन की भी जानकारी नहीं दी।